अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो, हमारे चार व्लॉग्स। सो फाइनली हम वापस आ गए हैं आज़रबाईजान से। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बाजी आप कब घर आएंगी, कब आप होम और किचन वाला व्लॉग्स डालेंगी। सो हियर आई एम विद अ रिफ्रेश्ड रूटीन। हर इंसान को इंक्लूडिंग हाउसवाइफ अपने डेली रूटीन वाले कामों से जो है ना, एक छोटा सा भी अगर ब्रेक मिल जाता है ना, तो उसका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, काम करने के लिए एक नई एनर्जी और पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इसीलिए ना, टाइम टू टाइम छोटा छोटा ब्रेक जो है वो लेते रहना चाहिए अपने डेली रूटीन से। और यहाँ देखिए घर की हालत क्या हो रही है। जब मैं अपने घर को इस तरह फैला हुआ देखती हूँ ना, तो मुझे डिप्रेशन होने लगता है। मुझे ना एकदम काम में मोटिवेशन ही नहीं मिलता है। वैसे मुझे पता है कि अब बच्चों का स्कूल चालू हो जाएगा, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना, एकदम अपनी जगह पे परफेक्ट वैसी की वैसी ही रहेंगी। सो कुछ दिन की बात है, और जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा, तब तक जो है ऑलरेडी स्कूल चालू भी हो गया होगा। यहाँ पर समर वैकेशंस ख़त्म हो जाएंगी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आरिस के कॉट की मैट्रेस को डीप क्लीन कर दूं, लेकिन किसी क्लीनिंग कंपनी से लोगों को बुला के नहीं, खुद ही घर में। तो मैट्रेस क्लीन करने का सबसे सस्ता और इफ़ेक्टिव तरीका जो है ना, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ज़्यादा क्वांटिटी में लेके मैट्रेस के ऊपर हर तरफ डाल देना है। अगर ज़रूरत पड़े तो हाथ से भी जो है ना, आप स्प्रेड कर सकते हैं। बस ये कन्फर्म करना है कि मैट्रेस के ऊपर सारे तरफ जो है ना, वो बेकिंग सोडा से कवर हो। और उसके बाद इस मैट्रेस को किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ अच्छे से सनलाइट और एयर आती हो। तो अब मैं ऊपर से नीचे कहाँ लेके जाऊँ इस मैट्रेस को, तो ये जो बालकनी है ना, इसका दरवाज़ा मैं खोल दूँगी और एक घंटे के लिए ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी, तो अच्छे से लाइट और एयर जो है ना, वो अंदर आती रहेगी। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जो है वो आरिस का नेल्स कट कर रहे हैं। आरिस है ना, जल्दी अपना नेल्स कट नहीं करवाता है, उसको इतना ज़्यादा गुदगुली होती है पैर में। तो देखिए कैसे कैसे कर रहा है। जब हम आज़रबाईजान से आए थे ना, तो इतना ज़्यादा कपड़ा था 6 लोगों का, मतलब वॉश तो वहाँ एक भी दिन हुआ नहीं था। और घर आने के बाद ये देखिए, वॉश करके मैं रखी थी 3 दिन तक जो है ना, खाली कपड़े में उलझी रही थी मैं। जब कहीं घूमने जाना होता है ना, तो हाथ पैर बहुत जल्दी जल्दी चलता है खुशी के मारे, लेकिन आने के बाद जो है ना, उतना ही बर्डन हो जाता है। एनीवेज, आज़रबाईजान से ना वापस आ रहे थे, तो हम लोगों ने ये फ्रिज मैग्नेट्स ले लिया था फ्रिज पे लगाने के लिए एज अ मेमोरी। और ये सारे जो मैग्नेट्स आप देख रहे हैं ना फ्रिज पे, ये हस्बैंड जब बिजनेस टूर पे जाते थे यहाँ वहाँ, तब वो लेके आए थे अपने साथ। आते के साथ ही ना बहुत सारी ग्रॉसरी घर में ख़त्म हो गई थी, तो मैंने फटाफट जल्दी से ऑनलाइन मंगा ली। हालांकि मैं प्रेफर करती हूँ कि खुद अपनी आँख से जाके देख के लूँ, तो ज़्यादा ऑफ़र वगैरह वाली चीज़ें भी मिल जाती हैं। बहरहाल यहाँ पर है ना, कुछ मसालों की बॉटल्स जो हैं वो ख़त्म हो गई थी, तो उन्हें वॉश करके मैंने रिफ़िल कर दी हूँ। कहीं अगर आप घूमने जाओ ना, तो किचन से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, और फिर वापस आके आप वही किचन के काम करते हैं ना, तो काम में दिल भी लगता है, मज़ा भी बहुत आती है। तो यहाँ पे ना मैं मुर्ग मलाई टिक्का मैरिनेट करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ली हूँ, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और रेड चिली पाउडर 1 चम्मच भर के, और ब्लैक पेपर पाउडर या वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब लेना है, और सॉल्ट डाल देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 टेबलस्पून भर के मैंने थिक दही ली हूँ, और 1 छोटे से साइज़ का लेमन जूस स्क्वीज़ करके डाल देना है। नॉर्मली जो हम लोग तंदूरी टिक्का या फिर चिकन टिक्का के लिए जो चिकन मैरिनेट करते हैं, उसमें क्रीम नहीं पड़ती है, लेकिन ये मुर्ग मलाई टिक्का है, इसलिए इसमें जो है ना, क्रीम भी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून भर के अलमराई की फ्रेश क्रीम डाली हूँ, और इससे जो है ना, टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आएगा। बस इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर ली हूँ। ये देखिए टेक्स्चर कितना अच्छा इसका अभी से दिख रहा है। अब इसके अंदर चिकन डाल देना है। तो यहाँ पे मैं पूरे के पूरे लेग पीस यूज़ कर रही हूँ, और लेग पीस में ना मैंने इस तरह से देखिए लंबे लंबे कट्स लगाए थे, ताकि मैरिनेशन अंदर तक चला जाए। बस अब सारी लेग पीस इसके अंदर डाल के इस मैरिनेशन को जो है ना, मैं अच्छे से कोट कर दूँगी सारे कट्स के अंदर, ताकि अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। और ये चिकन है ना, इसको एकदम ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दही भी पानी छोड़ेगा, और अगर चिकन गीला होगा पानी तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा चिकन। इस वजह से इसको छन्नी में डाल के ना 1-2 घंटा पहले ही आप रख दीजिए, तो अच्छा सा एकदम सूखा हो जाएगा। और अब इसको मैं अच्छे से कवर करके रख दूँगी फ्रिज में, ताकि स्मेल वगैरह ना आए, और 1 घंटा ऐसे ही छोड़ दूँगी।
और यहाँ पे देखिए बाहर हस्बैंड और ज़ैम दोनों मिलके एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। जो बच्चों की ट्रैम्पोलिन रखी रहती थी ना बाहर, जिस पे बच्चे जंप करते थे, वो आज इन लोग पूरा का पूरा डिसमेंटल करने जा रहे हैं। सो फाइनली पूरे रॉड्स वगैरह जो हैं ट्रैम्पोलिन के वो डिसमेंटल कर दिए और यहाँ पे रख देंगे हम स्टोर रूम की तरह से एक बनाए हैं। ये बड़ा ही काम आता है, सब चीज़ इसमें रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए अच्छी खासी जगह बन गई है और ऊपर जो है देखिए शेड है, तो एक और कार जो है वो यहाँ आ सकती है। एक्चुअली वो ट्रैम्पोलिन को हम लोग इसलिए डिसमेंटल किए हैं क्योंकि ज़ैम है ना वो भी अब यूनिवर्सिटी जाएगा, तो उसको भी चाहिए कार, तो उसकी कार जो है ना वो आ गई है। लेकिन अगर धूप में कार खड़ी रहती है ना तो उसका कलर वगैरह भी उड़ जाता है और गर्म भी बहुत करती है, इसलिए हम लोगों ने ट्रैम्पोलिन खोल दिए हैं ताकि दो कार शेड में रहे। मैं आ गई हूँ ऊपर। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है एक घंटा, यहाँ पे जो है ना मैट्रेस पे बेकिंग सोडा जो मैंने डाली थी उसको मैं अच्छे से वैक्यूम कर दूँगी। इस तरह से जब हम बेकिंग सोडा से मैट्रेस को डीप क्लीन करते हैं ना, तो एक जो बैड स्मेल आती है मैट्रेस में से वो भी नहीं आती है और डैम्पनेस भी नहीं रहती है, कोई मॉइस्चर भी नहीं रहता है। तो हर 6 महीने में ना एक बार अगर आप ऐसे कर देंगे तो मैट्रेस एकदम क्लीन और फ्रेश लगेगी। वैक्यूम क्लीनर को भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दी हूँ और मैट्रेस क्लीन करने वाला भी आज मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है। और यहाँ देखिए ये दोनों लोग जो है ना ट्रैम्पोलिन खोलते खोलते एकदम पसीना पसीना हो गए थे और फिर नहा धो के फिर से आ गए हैं बाहर का खेती बाड़ी वाला काम करने के लिए। ये देखिए इस साल दुबई में इतनी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है कि जो ये हमारी पपैया ट्री है ना, ये पूरा पपैया इसके ऊपर से सूख गया है। तो गार्डनर ने पत्ते वगैरह तो काट दिए हैं, अब हस्बैंड ये पपैया भी निकाल रहे हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज है ना मैं थोड़ा सा जल्दी ही डिनर बनाऊँगी क्योंकि आज हमें रात में कहीं बाहर जाना है, मैं आप लोगों को बताऊँगी अभी आगे। तो यहाँ पे है ना डिनर के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे मटर की दाल, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था मैं कुछ वेज खाऊं, लेकिन अगर मैं खाली हरे मटर की दाल बनाती ना तो इन लोगों का मुंह जो है ना वो मटर की तरह से हो जाता, क्योंकि इन लोगों को तो चाहिए नॉन वेज। तो इसीलिए जो है ना मैंने मुर्ग मलाई टिक्का जो है वो मैरिनेट कर दी हूँ और अपनी पसंद का जो है वो साथ में मैं बना दूँगी हरे मटर की दाल। ये दाल मैं कुकर में बनाती हूँ, तो तेल मैंने डाल दी हूँ और उसके अंदर मैं ज़ीरा और हींग डालूँगी। हींग इसलिए क्योंकि ये मटर की दाल है ना, तो कई लोगों का जो है वो स्टमक अपसेट हो जाता है, तो हींग पेट के लिए अच्छा होता है। अब मैंने डाल दी हूँ इसमें हल्दी 1/2 चम्मच और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। 2 मिनट इसको खाली भूनना है और उसके बाद इसमें मैं जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ईच। और इसके बाद हम इसको भूनेंगे, अदरक लहसुन की स्मेल जो है ना वो निकल जाएगी। फिर इसमें मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर, 1 ही चम्मच मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मसाले की कच्ची स्मेल निकलने तक हम इसको भूनेंगे। अच्छा इसमें जो है ना टमाटर 2 पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा खट्टा टमाटर डालेंगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मटर है वो मीठी होती है, तो टमाटर खट्टा रहेगा तो फिर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो बस अब ये 2 टमाटर को हरी मिर्ची के साथ है ना हम लोग चॉपर में पीस के डाल देंगे। और मिर्चा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप मिक्सर में भी पीस सकते हैं, एक ही बात है। अब ये देखिए मसाला यहाँ पे अच्छे से भून गया है, तो मैं इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दे रही हूँ। अब इसको हम लोग थोड़ा सा भूनेंगे टमाटर की स्मेल निकलने तक। तब तक यहाँ पे जो है ना मैं हरी मटर को चॉप कर लूँगी चॉपर में। ये है ना 1 कप मटर है। तो यहाँ पे देखिए मटर को जो है ना मैंने पीस ली हूँ, लेकिन एकदम बारीक नहीं पीसना है, थोड़ी सी दरदरी रहेगी, मतलब कुछ मटर जो है वो खड़ी रहेगी और कुछ जो है ना वो पिसी हुई रहेगी। फिर सॉल्ट ऐड कर दी हूँ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे मैं इसको भूनूंगी और फिर पानी ऐड कर देना है। तो जैसे अगर आपको पतली पसंद है तो ज़्यादा पानी डालिए, नहीं तो कम। वैसे ये दाल जो है ना थोड़ी सी गाढ़ी रहती है। अब 1 सीटी देके मैं इसको 5 मिनट के लिए धीरे आंच पे छोड़ दूँगी। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड अब आ गए हैं बैकयार्ड में, धनिया की पत्ती उगाने की तैयारी चल रही है।
प्लांट शॉप से है ना बीज लेके आए थे, तो वही लगा रहे हैं। पत्थर वगैरह क्यों फेंक रहे हैं? यहाँ लगाएंगे ना मीट पत्ती और मीट। और क्या लगाएंगे? मिंट, रेडिश, कोरिएंडर, मिंट और कोरिएंडर, यही तीनों लगाएंगे। अच्छा, तो ये कहाँ से लाए थे सीड्स? शॉप से लेके आए थे। कौन सी? प्लांट शॉप। अच्छा, बहुत से लोग बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड कैसे धनिया की पत्ती और सारे वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, डिटेल में वीडियो बनाइएगा। तो मैं सोच रही थी कि आज हस्बैंड लगा ही रहे हैं तो मैं शूट कर लेती हूँ, लेकिन अभी एक ही धनिया की बीज बोए जब तक इनके बैक में जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो आगे फिर इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, बाकी सीड्स नहीं लगाए। लास्ट ईयर हम लोग इसीलिए गए थे मुंबई इनका बैक पेन दिखाने के लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किए लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, पेन वहीं का वहीं है। और ऐसे ही सब खेती बाड़ी वाले काम में जो है झुक झुक के करना पड़ता है, तो काफ़ी मेहनत लगती है तो पेन भी होने लगता है, लेकिन ये बाज नहीं आने वाले हैं ये सब चीज़ से, क्योंकि ये इनकी फेवरेट हॉबी है, ये सब प्लांट्स वगैरह ग्रो करना इनको बहुत अच्छा लगता है। कभी भी घर में ये नहीं मिलेंगे आपको ना, और ढूंढना होगा तो बस जो है आप बैकयार्ड में आ जाइएगा, प्लांट्स वगैरह में ही ये उलझे होंगे, कभी धनिया की पत्ती की मूँछ निकाल रहे हैं तो कभी जो है मिंट की जो है वो दाढ़ी साफ कर रहे हैं, बस यही जो है करते रहते हैं। आटा गूंदने के लिए मैंने मशीन में डाल दी हूँ, तो जब तक वहाँ पे आटा गूंद रहा है यहाँ पे मैं चावल भी भिगा दूंगी, और राइस कुकर को है ना मैं तब ऑन करती हूँ जब मैं रोटी बनाने खड़ी होती हूँ, तब इतनी देर में चावल भी अच्छी तरह से भीग जाता है तो एकदम खिला खिला सा बनता है। और यहाँ देखिए आटा भी गूंद के रेडी है। जब से हम आज़रबाईजान से आए हैं ना कुछ अनपैकिंग चल ही रही है, तो ये हम आज़रबाईजान से लेके आए थे प्लेट, और इसकी जो डिज़ाइन है ना वो टर्किश डिज़ाइन है, मुझे ऐसी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, इस तरह के लैम्प्स वगैरह भी आते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो हम इसको बड़े संभाल के लेके आए थे कपड़े में छुपा उपा के कि कहीं ये टूटे ना, क्योंकि ये सिरेमिक का है, लेकिन जो है अच्छे से आ गया एकदम सेफ। और यहाँ देखिए ज़ैन भी आ गया है अपनी कार लेके, वैसे ज़ैन की कार आज़रबाईजान जाने के पहले ही आ गई थी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ नहीं रहते ना इसलिए हम लोग ने ये कार हस्बैंड की फैक्ट्री में खड़े करवाए थे, तो अब वही लेके आया है। अस्सलाम वालेकुम, आ गई गाड़ी? हाँ। कैसी है चलाने में? अच्छी है। अरे हूज़ न्यू कार इज़ दिस? अच्छी है। एकदम मस्त है ना? अभी तक तो ज़ैन सिर्फ स्कूल जाता था स्कूल बस से, लेकिन अब जो है वो यूनिवर्सिटी जाएगा, तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए या तो उसको बस से जाना पड़ता या तो फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुबई में है ना बहुत महंगा है, अच्छा खासा जो है वो किराया लग जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया था कि जैसे ही ज़ैन का 12th कम्प्लीट होगा तो हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे, एंड फाइनली जो है उसको लाइसेंस मिल गया तो हम लोगों ने कार ले ली है। अच्छा, अब जो है ना मैं मुर्ग मलाई टिक्का फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि डिनर का टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट होने ही वाला है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि हम जाने वाले हैं बाहर, तो तेल में जो है मैंने चिकन डाल दी हूँ। अच्छा, ये जो चिकन का सारा मसाला बच जाता है ना इसको भी आप ब्रश से अच्छे से लगा दीजिएगा, ताकि एकदम अच्छी मोटी सी जो है ना वो कोटिंग हो जाए, और फिर इसको कवर करके हम इसको 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं तो ये मुर्ग मलाई टिक्का बनाने के लिए सिर्फ लेग पीस ली हूँ, अगर आप चाहें ना तो चिकन के जो पीसेज आते हैं ना वो भी ले सकते हैं नॉर्मल पीसेज, और उसमें भी आप ये सेम मसाले के साथ बना सकते हैं, बस बच्चों को लेग पीस खाने में अच्छा लगता है ना इसलिए मैं ये इस तरह से लेग पीस लेके आई थी। अच्छा, राइस कुकर भी मैंने ऑन कर दी हूँ और इतनी देर में मैं रोटी भी बना लूँगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप जो है वो आटा कौन सा लेती हैं, रोटी बड़ी ही अच्छी बनती है, तो मैं अल बेकर का चक्की फ्रेश आटा लेती हूँ गोल्ड, और साथ साथ में है ना चिकन को भी मैं देखती रहूँगी, थोड़ा गोल्डन पैचेस आ जाएंगे जब तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, तो सारा ही कुकिंग जो है ना वो डन हो गई है, बस ये लास्ट काम है दाल को तड़का देना, तो घी में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाली हूँ और स्लिट हरी मिर्ची, और दाल को मैंने एक बार जो है अच्छे से घोट ली थी मिक्सर से,
और उसके बाद मैं इसमें तड़का डाल के और धनिया की पत्ती से गार्निश कर दी हूँ। इस कुकर के साथ एक और ढक्कन मिला था कांच का सर्व करने के लिए, तो वही मैंने रख दी हूँ। अच्छा, ये जो चिकन लेग पीस है ना, उसको मैं नीचे जो है फॉइल लगा दूँगी ताकि पकड़ के खाने में आसानी हो और देखने में भी फिर अच्छा लगेगा। तो बस सारा कुकिंग जो है वो डन हो गई है और फलक और अफ़ान मिल के खाना लगा रहे हैं जल्दी जल्दी। और ज़ईम आज नहीं है क्योंकि है ना उसकी कार आई है, तो नई नई कार रहती है तो जोश रहता है, तो अपने दोस्त लोग के साथ गया है वो कार लेके। और अभी हम बस जल्दी जल्दी से खाना खा के जाएंगे आरएस को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। यहाँ पे है ना 5 ईयर्स की एज पे 2 वैक्सीन लगता है, तो वही आज इसको लगेगा। और 29 अगस्त को आरिस 5 ईयर्स का हो गया माशाल्लाह। इंस्टाग्राम पे मैंने आरिस की बचपन की फ़ोटोज़ भी डाली थी कुछ, आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा और फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा maryam_s_shahid। और आज की ये जो रेसिपी है ना दोनों, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कैसा बना था। बच्चों को चिकन तो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारा वैक्सीनेशन के लिए। क्या? वैक्सीनेशन के लिए? हाँ। कितना इंजेक्शन लगेगा? 2। डरोगे? नहीं। रोगे? नहीं। प्रॉमिस? हाँ। ओके, वी विल सी। तो हम आ गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर और आते ही ना सबसे पहले आरिस का हाइट, वेट और हेड सर्कमफ्रेंस ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करेंगे। ये हॉस्पिटल है ना हमारे घर से 40 मिनट्स की दूरी पे है, वो तो शुक्र है कि हम अपॉइंटमेंट लेके आए थे तो जल्दी से नंबर आ गया, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और ये लास्ट वैक्सीन है, इसके बाद जो है सब स्कूल में लगेगी उसको वैक्सीन। अच्छी है आरिस? अच्छी नहीं, पी जाओ। Good? Good. Okay. Now, here, huh? You will not change, right? Huh? No. Okay. Look at mommy there. Hi. Aris, take a deep breath. Okay, very good. Good job. Okay. Very good. Bending? Okay. Okay. Bending? Last one, okay. Man. This side, man. Okay. Good boy. इधर देखो। आरिस। एक बार नहीं रोया, अभी भी नहीं रोएगा। फिनिश हो गया। Good job. Wow. Hero. Very good. Wow, Aris, you are a brave boy. मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आरिस बिना रोए जो है वो इंजेक्शन लगवा लेगा, वो भी 2-2। तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।